माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्तार साहब चले गए हैं, कुछ अच्छे शेर सुनाए थे। मैं चाहूंगा कि कथा सुने जहां भी हो, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। उधर मत देखिए, मुझे आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं नहीं नहीं, ये नजर हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात। मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी जी धन्यवाद, आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। आप अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं, बहुत प्यारी हैं, मेरी बहन हैं आप, मेरी बहन हैं आप, प्यारी बहन हैं आप, क्यों ऐसी बात करते हो? अध्यक्ष जी, आदम खान जी, आदम खान जी, आप बहुत वरिष्ठ। तू इधर उधर की ना बात कर, आपका क्षेत्र में काफी अनुभव रहा है, बता के आप ये शब्द वापस ले लीजिए, ये ठीक नहीं है। ये शब्द जो आपने बोला वो ठीक नहीं है, वापस ले लीजिए। इलेक्शन से निकलवा दिए मंत्री जी को, बोला दीजिए मंत्री जी को। पीठ पर बैठे हुए कृपया सुनिए, माननीय सांसद महोदय को सुना है, उनका उस हाउस का इस हाउस का लंबा अनुभव है, विधानसभा उत्तर प्रदेश का भी अनुभव है, वहाँ वो वजीर भी रहे हैं। सदर को चेयर को कैसे एड्रेस करते हैं उनको अच्छी समझदारी है, और जो शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, ठीक नहीं है। एक तो महिलाओं के खिलाफ और आपके खिलाफ, वो जो मैं उस शब्द प्रयोग उनको माफी मांगनी चाहिए, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगे हैं जिस वो जो मैं उस शब्द प्रयोग उनको माफी मांगनी चाहिए, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। माफी मांगनी माफी मांगना चाहिए, माफी मांगिए, जवाब दीजिए। आप माफी मांगे हैं जिस ये अपनी बहन से माफी मांगे। प्लीज बैठे 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 बैठे। अन्य सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, गलत है जो भाषा गलत है, टोका है, गलत है, नो ये भाषा मत बोलिए प्लीज। नहीं मैडम, नहीं प्लीज, नो ये सदन है, कोई भी माननीय सदस्य के प्रति इस तरीके की बात कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। माननीय सदस्य आप बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, चेयर की गरिमा बनाना आपका काम, सदन में मर्यादित बोलना भी सभी माननीय सदस्य कहते हैं, हर विषय को मर्यादित कहते हुए आप अपनी बात कहें, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, कोई भी ऐसी चीज मैं खुद देखूंगा स्वयं रूप से, और उसमें कोई भी आपत्तिजनक होगी तो मैं सबको उठाऊंगा। माननीय सदस्य को लोकसभा माननीय मंत्री जी,
माननीय सर कितनी बेटी है सर, मुझे और बाकी लोगों को इस सदन मान सर आज तक पिछले 19 साल के इतिहास में किसी सदस्य ने चेयर के खिलाफ वो भी एक महीना हमारी जो माननीय सदस्य प्रेजाइड कर रही है ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है सर, उनको माफी मांगना चाहिए मिनिमम, ये मैं आपसे अपील करूंगा। आप देखिए बहुत गंभीर विषय, बहुत गंभीर विषय, आप बताएं सर। इसमें इसमें रूल बड़ा स्पष्ट है, रूल नंबर 10 पेज नंबर 7 ये साफ कहता है सर, द डिप्टी स्पीकर और एनी अदर मेंबर कॉम्पिटेंट टू प्रिसाइड ओवर स्पीकिंग ऑफ द हाउस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और दीज रूल्स शैल व्हेन सो प्रिसाइडिंग हैव द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन सो प्रिसाइडिंग एंड ऑल रेफरेंसेस टू द स्पीकर इन दीज रूल्स शैल इन दीज सर्कमस्टांसेस बी डीम्ड टू बी रेफरेंस टू एनी सच पर्सन सो प्रिसाइडिंग। इसलिए माननीय सदस्य माननीय सर प्लीज बैठे जी, माननीय सदस्य इसमें किसको आपत्ति है, जब सभापति सभापति बैठते हैं उसको पूरा चेयर पे एज ए स्पीकर का पूरा अधिकार होता है, पूरा अधिकार होता है। माननीय सदस्य मैं बैठ जाइए आप, माननीय सदस्य हाँ माननीय सर प्लीज बैठिए, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी बैठ जाइए माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ना आपको। हाँ माननीय सदस्य प्लीज आप भी बैठ जाइए, मैं आपकी बात भी सुनूंगा। माननीय सदस्य आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे।